जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में आज शुक्रवार की रात एक बार बड़ा हादसा हुआ। बरेला बाईपास के पास आमने सामने से तेज रफ्तार डीजल टैंकर और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस घटना में दोनों ही वाहनों के ड्राइवर और कंडक्टर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस बाहर निकाला। वहीं इस घटना में टैंकर के पलट जाने से स्थानीय लोगों ने पुलिस के सामने ही डीजल की लूट मचा दी। सूचना मिलने के बाद डीएसपी अपूर्वा किलेदार मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थिति को संभाला। जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। शुक्रवार की रात जबलपुर रायपुर बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रक और डीजल से भरे टैंकर की भिड़ंत हो गई। इस घटना में ट्रक जहां आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं डीजल टैंकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही बरेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। पुलिस जहां एक तरफ डीजल टैंकर और ट्रक में फंसे ड्राइवरों को बाहर निकालती रही, तो वहीं स्थानीय लोग डीजल की लूट करते रहे। अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। डीएसपी अपूर्वा किलेदार ने बताया कि जबलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बरेला के पास तेज रफ्तार डीजल टैंकर और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। दोनों ही वाहनों में ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे, जिनका रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल कर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी सी और लापरवाही होती तो सड़क पर डीजल फैलने से आग लग सकती थी और इस आग की चपेट में कई वाहन भी आ सकते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही वाहनों में फंसे ड्राइवर कंडक्टर को बाहर निकाल कर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है और इससे पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी है। डीजल तो किसी का नंबर दो, नहीं तो बिटोनी से जो पार्टी आए तो इसकी रिपेयरिंग करना पड़ेगी पहले। नहीं नन्नर आएगा, नहीं तो गुजरात का है किसी का। एमआरसी ट्रांसपोर्ट है।